हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, शुगर आई शेडो क्वाड मेकअप लुक। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB प्राइमर, मैंने इतना सा लिया है। इसे मैं अपने ऑल ओवर फेस पर ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। काफ़ी अच्छा है ये प्राइमर, काफ़ी अच्छा सा बेस तैयार करता है ये हमारी स्किन पर कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, एंड काफ़ी ईजीली ब्लेंड हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है ये, ओल्ड स्किन टाइप है ये प्रोडक्ट, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है ये। इसका मैंने सेपरेट रिव्यू भी शेयर किया है आप लोगों के साथ, सो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। प्राइमर के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल प्रो कंसीलर और मेरा शेड है क्रीमी बेज। इसे मैं अपने डार्क स्पॉट्स पर अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ भी मुझे डार्क स्पॉट्स हैं। ये कंसीलर मेरा फेवरेट है गाइस, काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे ये कंसीलर। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन और मेरा शेड है डेजर्ट बेज। फाउंडेशन को मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। ये फाउंडेशन गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी जो कवरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैट फिनिश देता है, अफोर्डेबल भी है। ये फाउंडेशन काफ़ी हद तक सिमिलर है मेबलिन का जो फिट मी फाउंडेशन है उसके साथ, ये काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, काफ़ी उसके जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, कवरेज है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। ये ओल्ड स्किन टाइप है, ये सभी स्किन टाइप वालों को सूट होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर और मेरा शेड है 25 मीडियम। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर और ऑल ओवर फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर। फेस कंटोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर ब्लशर है ये, पर मैं इसे एज ए कंटोर यूज़ करती हूँ और मेरा शेड है 11। ये काफ़ी प्रिटी ब्राउन शेड है और ये काफ़ी अच्छा लगता है एज ए कंटोरिंग, काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है, सो मैं इसे एज ए कंटोरिंग यूज़ करती हूँ। फेस पे काफ़ी अच्छा डायमेंशन देता है ये।
ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन डायमंड ब्लश और मेरा शेड है 503। ये काफ़ी अच्छा ब्लश है, ये काफ़ी अच्छा काम करता है एज ए ब्लश। इसका कलर जो है वो काफ़ी प्रिटी है, ये है ओरेंजी पीची सा शेड, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी हल्की सी शाइन है, हल्की सी शीन है इसमें, सो काफ़ी अच्छा जाता है ये इंडियन स्किन टोन पर, काफ़ी अच्छा लगता है। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर और मेरा शेड है प्रीशियस पेटल्स। काफ़ी अच्छा है गाइज ये हाइलाइटर और काफ़ी अच्छी शाइन आती है इससे फेस पे, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर्स नहीं है इसके, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है, बहुत अच्छा लुक देता है ये स्किन पे। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन द न्यूड पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड, इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा बेस मेकअप हो गया है कंप्लीट, अब बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप करने से पहले मैं अपने आई के कॉर्नर्स पे ये लगाऊंगी टेप, ताकि मेरा जो आई शेड है वो बहुत ज़्यादा बाहर ना फैले। फ्रेंड्स क्योंकि मैं ये मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ शुगर आई शेडो पैलेट की हेल्प से, लेकिन इसमें कोई मैट आई शेडो नहीं है, इसमें सारे शिमरी आई शेडो हैं, सो मुझे ट्रांजिशन शेड के लिए मैट आई शेडो की ज़रूरत है। सो मैट आई शेडो के लिए मैं ये मेबलिन द न्यूड पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, इसे मैं अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई कर लूँगी अच्छे से और ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ट्रांजिशन शेड को। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ शुगर आई शेडो क्वाड और मेरा जो शेड है वो है 13 पेपरेजी और इसमें से मैं ले रही हूँ ये डार्क, ये जो ग्रे अंडर टोन में ये शिमरी शेड है, इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने आउटर वी पे और अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं इस पैलेट में से ले रही हूँ ये कॉपर शिमरी शेड, इसे मैं अप्लाई करूंगी अपनी आई लिड्स पे। फ्रेंड्स यह मेरा आई शेडो हो गया अप्लाई, अब मैं इस टेप को रिमूव कर लूंगी। अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। नेक्स्ट मैं इस डार्क शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी।
नेक्स्ट मैं अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए ये पर्ल वाइट शेड ले रही हूँ, ये शिमरी शेड है। आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ बेला वोस्टे फैल टिप पेन आईलाइनर। नेक्स्ट मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड लिपस्टिक और मेरा शेड है सैंडस्टॉर्म। ये काफी प्रिटी न्यूट शेड है फ्रेंड्स और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है, डेली वेयर के लिए काफी अच्छा कलर है ये। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।